Assalamualaikum and good morning, welcome back. आप सो आप सब ठीक होंगे? नहीं, मैं तो तकरीबन 4:30 बजे की उठी हूँ. हम लोग जा रहे हैं अब फैसलाबाद, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है गोरी, इसका यूनिवर्सिटी में टेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग, तो हम लोग अभी जा रहे हैं फैसलाबाद. देखते हैं जाके क्या क्या करने को मिलता है. सुना फैसलाबाद में बहुत गर्मी है, पहले तो सुना फैसलाबाद में बहुत गर्मी है. अभी तो हम लोग निकले हैं, ये कोई 5 बज गए हुए हैं, 5:15 का टाइम है. 5:15 नहीं बल्कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम घर से 5:15 बजे निकले थे. उठ के रेडी शेडी हुए हैं, थोड़ी बहुत डांट शांट सुनी है. अभी मैं पहुंचती हूँ और वहाँ पे पहुंच के फिर आपको बताती हूँ. तो अभी हम लोग पहुँचे हैं फैसलाबाद और कोई टाइम हो चुका हुआ था 7:30. हाँ तो अभी हम लोग करने लगे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट. क्या है यार, क्या नाम है इसका? पार्क वीरो, पता नहीं कुछ छोड़ ही पाया. हम लोग नाश्ता करने लगे. अभी हम लोग जाते हैं अंदर और फिर मैं आप लोगों को अंदर जा के भी दिखाती हूँ, देखने में सही है. सवाल, अभी हम लोग आए हुए थे अंदर, ये मेरा भाई बेचारा गर्मी से आधा पागल हो चुका हुआ है. तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आके, मैंने कहा हम लोग मतलब ऑर्डर शॉर्डर किया हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता, तो मैंने कहा तब तक के लिए मैं बनाती हूँ थोड़ा बहुत व्लॉग. इनके अभी तक 14 अगस्त नहीं खत्म हुई, 14 अगस्त हमारे घर भी खत्म नहीं हुई. हमारे बच्चों के सूट पड़े हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर. मेरी आवाज़ पर ना जाइएगा, सुबह सुबह आया, सुबह सुबह ऐसी आवाज़ होती है, तो सुबह सुबह वाली आवाज़. ये भाई सुबह वाली आवाज़ है. अभी हम लोग यहाँ से नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद सीधा फैशन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट में चले जाएंगे. फैशन डिज़ाइनिंग वाले डिपार्टमेंट में ऐसे जाएंगे कि पहले हम चनाब क्लब गए, वहाँ से हमारे तब नहीं था कैंपस, तो ना एक रक्षे वाले से बात हुई तो उसने कहा कि नहीं वो आ गए. हम लोगों ने 5 के 5 गेट घूमे और फिर वापस आके उसने हमें उधर ला के उतार दिया. चलो भाई यहाँ पे उतर जाओ, हम पागलों की तरह फिर घूम घुमा के वहीं पे आ गए. खैर, अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, अब हम लोग जा रहे हैं कैंपस में. सुना वहाँ पे मोबाइल अलाओ नहीं है, अगर हुए भी नहीं हुए तो शायद ये कह रही मैंने तो मोबाइल अंदर लेके जाना है, मैंने पिक्चर्स क्लिक करनी है, ये करना है, वो करना है. तो मैंने कहा ठीक है, व्लॉग नहीं बन सकेगा, लेकिन जो ये पिक्चर क्लिक करके लाएगी वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी. तो बस अल्लाह करे सही क्लिक करके ले आए. आज तक तो ऐसा कोई नहीं इसने सही क्लिक की मेरी तो आज तक नहीं की इसने कभी सही क्लिक. खैर देखते हैं, जैसे भी क्लिक करके आएगी उनमें से अगर मुझे कोई अच्छी लगेंगी तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ. आप ही देखना फैशन डिज़ाइनिंग में होता है. तो फैशन डिज़ाइनर का ये अपना आके एक्सपीरियंस पे शेयर करेगी आपसे कि इसने क्या क्या किया, मैंने क्या किया. सो यहाँ पे अभी ये वापस आ गई हुई थी, तो ये जोन से कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, तो इसके एक्सपीरियंस जोन से अब आप सुन सकते हैं. टेस्ट दिया उन्होंने, कहा अपनी इमेजिनेशन शो करें, मेरी इमेजिनेशन ही मर गई. सो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत, ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे इससे पबजी याद आ रही थी. वो मुझे कहते हैं आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन बनाएं, फिर मैंने भी बचपन में विंडो बनाई थी तो मैंने वही विंडो बना दी, टेबल बनाया. खैर ये पिक्चर्स के बाद अभी हम लोग जाने लगे हैं कुछ खाने पीने के लिए. हम लोग जाने लगे, मेरी फ्रेंड है, मेरा भाई और एक उसका फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा है. हाँ मेरी कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो उनसे वो जीसी में पढ़ती हैं, तो काफ़ी मुझे बुला रही थी उनमें से सिर्फ मैं, मतलब एक है जो मेरी ज़रा कॉलेज की फ्रेंड थी, तो मैं उससे मिली और फिर हम लोगों का प्लान बना कि चलो भाई फोकर नाइफ चलते हैं, वहाँ से खाते पीते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आए थे और ये फिर मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए दी, तो इसने स्लोमो कर दी. मतलब खैर मुझ पे क्यों लगाती हो आज की सारी वीडियो स्लोमो पे, आप बहुत सुकून से आराम आराम से सारी चीज़ों को देख. लेकिन सिटिंग वीटिंग तो काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी हुई हुई थी, तो बैठ हम सबसे लास्ट पे गए थे, तो लास्ट पे बैठ गए थे भाई. मैंने कहा लास्ट पे बर्तन नज़र आ रहे थे. हाँ और मैं अपने दोस्त के भाई को कह रही थी, मैंने कहा हाँ तुम बर्तन धो. खैर अभी आया था पिज़्ज़ा, ये था मेरे पास पैरी पैरी फ्लेवर. ठीक है देखें गौर से, हम लोग इस तरह सारा छोड़ के हैं, बहुत अफसोस हो रहा है. इस टाइम बैठ के रात को बैठ के मुझे अफसोस होना है. तो ये जो अंसा है ये था फोकन स्पेशल पिज़्ज़ा. खैर मैंने अपने भाई को भी अंदर दी थी वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा भाई तुम बना दो, सामने तुम बैठे हुए हो, मैं तो दूसरी साइड को बैठी हुई हूँ. पर खैर फिर मैंने हिम्मत की और बेशर्मी की हद क्रॉस करके वीडियो बना ली. अपना सिटी होता ना खैर होती है भाई, बना लूँ के घर भाग जो. यहाँ पे ये था कि भाई अभी खाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बोल बोल के ठंडा पानी पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के, क्योंकि उधर गर्मी में हम लोग वेट कर रहे थे, पी के जो अनसा ना वो मैंने अपना गला ख़राब कर लिया. तो खैर मैं अपनी फ्रेंड के साथ, उसके हॉस्टल में थी, मेरा भाई जो अनसा उसके भाई के साथ जो अनसा वो हॉस्टल में था, फ्रेश व्रेश हो रहे थे क्योंकि इनको हम लोगों ने इंस्टीट्यूट उतार दिया था गोरी वगैरह को, और फिर हम लोग जो अनसा वो आगे थे. तो मैं उधर वो हॉस्टल में भी बहुत गर्मी थी, कोई इतना खास वहाँ एसी वेसी नहीं लगा हुआ था. नहीं लेकिन उन्होंने हमें एसी वाले में टेस्ट लिया, हाँ ज़मीन पर बिठा के.
तो खैर हम लोग अभी खाएंगे पिज्ज़ा शीज़ा और फिर यहाँ से निकलेंगे घर के, अपने फ्रेंड को ड्रॉप कर दूंगी रिश्के के ऊपर। सो ये फोकन नाइफ टिश्यू तो फिर लाजमी है ना, टिश्यू पकड़ेंगे, वीडियो बनेगी, फिर ही तो मज़ा आएगा भाई, कहाँ बैठ के खाया है पता ही नहीं चलना। सो अभी हम लोग जोन से उठते हैं, लोग ट्रुथ एंड डेयर स्टार्ट कर रहे थे खेलना, अभी एक ही के ट्रुथ हुआ था हम लोग ने कहा बस बस बाबा की कॉल आ रही है तो हम लोग घर चलते हैं। तो अभी जोन से हम लोग उठने लगे, मैं दिल इतना कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन पहले से मेरा गला जोन से ना मुझे महसूस करा रहा है कि नो ना खाना, लेकिन दिल कर मेरे हलक में। सो खैर अभी हम लोग जोन से वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ से हम लोग निकलने लगे, मैंने कहा जाते जाते भी पीछे से एक थोड़ी सारी वीडियो बना लेती हूँ। खैर फिर क्या हुआ, तो गर्मी जोन से फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम पे जब ना हम लोग आ रहे थे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। फिर मुझे महसूस हुआ कि नूरी जहाँ तुम जाती हो ना मौसम है नहीं, गलत गलत हो गया, फिर मैं मुझे महसूस हुआ कि भाई नूरी जहाँ पे जाती है वहाँ पे मौसम है तो फिर मेहमान होना ही होता है। खैर बारिश वारिश कोई नहीं हुई, इसको मैं खोल रही थी अल्लाह के हुक्म से, था मैंने अंदर को खोला, एक मुझे क्या पता था बाहर को खोलना, फिर मैंने इसको ऊपर से पढ़ा, इसके ऊपर लिखा था पुश, फिर मैंने इसको बाहर को खोला। फिर यहाँ पे बाहर खड़े होकर जो उनसे है हम लोगों ने जो उनसे वो पिक्चर शिक्चर ली। अभी हम लोग निकले थे वापसी के लिए तो यहाँ पे मेरा भाई कहता मेरी एक पिक्चर तो क्लिक कर दो, मैं उसकी पिक्चर क्लिक करने लगी, मैं कहा तुम खड़े हो मैं यहाँ ब्लॉग बनाती हूं, नाला खुला आया मुझे कहता इसमें जाओ और आगे से सीधी निकलोगी। तो अभी मैं जो उनसे यहाँ पे मैं कैट वॉक करी, मेरा भाई मुझे आवाज़ें दे रहा आ जाओ बैठ जाओ आके ऑटो में, आ जाओ बैठ जाओ आके, मैं कहूँ सबर करो आगे तक वो कह लेंगे, थोड़ी सी बातें शातें कर लूँ मैं, तो बातें शातें करूँगी मैं अपने से टॉक करो अपने के बात करते हैं हम, मैं मुझे कहते हैं मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर से बात करूँगी तो फिर और टिशू विशू भी मेरे साथ ही हैं, हवा उमड़ होंगी ना नहीं फिर कहाँ से मिलेगा, तो मैंने कहा सबर करो मैं ज़रा कैट शैट करके आई, ओह कैट शैट वॉक करके आई, मैं अपने सब्सक्राइबर से बात शात कर लूँगी, बैठ के बात कर लूँ मैं उनसे। तो अभी मैं वो सामने मेरा वेट करे थे, मैं कहा खलो जो आ गई अपनी बार पिक्चर्स क्लिक कर ली और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक छोटी सारी वीदियो ना बनाऊँ हैं, तो रहती थी यूट्यूबर बन ही जाऊँगी। एक ने मुझे कमेंट किया कि भाई 50 साल आपको लग जाएंगे, कब तक 10 साल लग जाएंगे आपको फिर सिल्वर जोन सा वो मिलेगा यूट्यूब की तरफ, मैं कोई मसला नहीं जब भी मिलेगा भाई मिलेगा तो सही ना आज नहीं तो कौन। खैर अभी हम लोग यहाँ पे आए थे टिकट मेकर नहीं टिकट मेकर नहीं टिकट मैं बहुत हिंदी पढ़ी नहीं याद आई ना जाए मुझे कभी टिकट मेकर याद। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए थे एसी वाली गाड़ी लेने, लेकिन उसने निकलना था लेट और पापा को आगे बड़ी टोपियाँ करा दी थी हम लोगों ने, तो पापा को टोपी शोपी कराई हुई थी तो इतनी टोपियाँ रक्षे में बैठे हुए और अभी तक हम लोग फोकन आए थे, पापा कहते कि ना वो फलाने फलाने जगह से खाना खाने में खा लेंगे अभी हम गाड़ी में बैठे अस्तगफुरुल्लाह, बस ये ना हमें आमने सामने जो जगह मिली एक दूसरे के अंदर मेरे पाँव चेक करते अभी हिलने की जगह नहीं थी मेरे आपस में, ऊपर से इतनी सारी चीज़ें ले बात करने लगे तो मेरी टांगे दबा दी, मैं कहा तुम मुझे छोटे कर दोगे तो वो देखो तो ना इसकी टांगे और मैं टांगे और बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन गर्मी शुक्र है गाड़ी चली, चले करो तुम भी शुक्र है गाड़ी शाड़ी चली थी तो फिर थोड़ी बहुत हवा आई, वरना तो भाई अल्लाह मरने वाला मुकाम था। खैर अभी गाड़ी शाड़ी चली काफ़ी टाइम लगना है तो मुझे तो नींद इतनी आ रही शेयर किया कर तो लिया है बाकियों से कर लिया। अच्छा मेरी बात सुनो छोड़ो सामने हमारे पास एक इलामा इकबाल नजर आए थे, ये सो रहा था कसम अल्लाह की हमारा ये हंस के इसका शेर जोन से थे वो ना गोरी में ट्रांसफर हो जाते, गोरी सुनाना कौन सा शेर था, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में ओह माय गॉड नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। क्या